बीते दिनों प्रेम प्रसंग में तीन लोगों की जान चली जाती है। प्रेम प्रसंग एक ऐसा शब्द बन चुका है जिससे लोग अब डर चुके हैं, सहम चुके हैं। प्रेम यानी गुनाह, प्रेम यानी अपराध, प्रेम यानी डर, ये खौफ। जैसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बीते एक महीने में गोरखपुर की ही हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर में तीन हत्याएं होती हैं। पहली हत्या सनहा में युवक को मार करके नहर में गाड़ दिया जाता है। दूसरी हत्या एक युवती को बीच सड़क पे रौंद दिया जाता है। तीसरी हत्या चंदौली का, गोरखपुर का ही एक थाना लगता है बेलीपार। बेलीपार थाने क्षेत्र की ही एक गांव लगती है चंदौली। विवाहिता से प्यार करता है और विवाहिता से प्यार का नतीजा यह होता है कि उस युवक को अपनी जान गंवा करके उसे करना पड़ता है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। बीते 8 तारीख को बेलीपार थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली जहां पर पूरा जो गांव है वो मातम में पसर चुका है। बताया यह जा रहा है कि गांव का एक युवक गांव के ही विवाहिता युवती से प्यार करता है और प्यार का नतीजा उसे अपनी जान गंवा कर निभाना पड़ता है। पूरे प्रकरण को हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा वाकया है क्या। एक युवक गांव की ही युवती से प्यार करता है और आए दिन वह सोशल मीडिया पे युवती के साथ फोटो पोस्ट करता है और यह जो मामला है कई दिनों से चल रहा था। युवक उस विवाहिता को लेकर के कई बार फरार भी हो चुका था। कई बार फरार होने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा था। लड़की के परिवार वाले तन आकर के इस पूरे घटना को जो है अंजाम देते हैं। युवक को पहले अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उस युवक को पूरी तरह से मारा जाता है और उसकी हत्या करके उसके शव को नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार जब राहगीरों को उसका शव दिखा तो किसी ने गांव में यह सूचना दी और वहां भीड़ इकट्ठा होती है और उस युवक का पहचान होता है और उसके बाद जो है पुलिस एक्टिव होती है इस पूरे मामले में। पुलिस इस मामले में मिले तहरीर के अनुसार 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। 10 लोगों का नाम उस तहरीर में लिखा होता है। पूरे मामले को लेकर के लड़के के भाई क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनते हैं। बोलो, क्या नाम है आपका? चंद्रकेश। कहाँ है आप? ग्राम सोच। क्या मामला हुआ है? मामला देखिए, क्या बोलते वो लोग, उनके एक सूरज यादव उसकी बच्ची थी। हाँ। दोनों पहले दोनों में चक्कर था। हाँ। ये क्या हुआ, वो क्या उसका शादी हो गया था। हाँ। तो फिर उन्होंने घर पे बुलाए और बुला के उसको लेके फिर लोग निकल गए वहाँ अपने घर से। हाँ। फिर इसके बाद चलिए ठीक है, ये सब तो पूरा हो गया। हाँ। फिर उसके बाद वो लड़की अपने घर पे गई, फिर वो क्या है कोर्ट से लोग उसके ऊपर मुकदमा कर दिए और उसको क्या है लड़की को जान से मार के इसको फंसाने के लिए लोग कोशिश किए। उसमें क्या है अखिलेश सिंह है और बैजनाथ यादव, ये लोग लड़की के घर पे भी गए और क्या है जब वो टाइम में वो लड़की को वो लोग मारने वाले थे, मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ था। तो अगर ये फिर दोबारा उसके घर से उसकी मम्मी और उसकी क्या बोलते बड़ी मम्मी दोनों लोग मिलके लड़की को सुबह 4 बजे भगाए, इसको बुला के हाथ में हाथ दे के लेके गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये लोग भग गए। उसके बाद ये लोग रंजिश करके अभी क्या है कल सामने देखिए उसको अच्छा मार दिए, पूरा गला काट दिए, 5, 8, 9, 10 ऐसा। कल जो है कहाँ से उठाए थे? बेली पर चौराहे पर से उठाए हैं। उस दो बच्चे उसके साथ में थे, वो लोग उसको बुलाए फिर इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे आया ये। फिर वो क्या है फुल अच्छा साजिश करके उसको मारा गया है। उसके बाद ये लोग क्या है बोलेरो गाड़ी से आए, उसको वहीं पे भी एक चाकू मार दिया, उसको अंदर खींच के ले गए। फिर अंदर खींच के लेके जाने वाले लोग निकल गए। फिर हम हैदराबाद में रहते हैं, वहाँ से फ़ोन भी किए, क्या एसओ सर को भी फ़ोन किए, एसएसपी सर को भी फ़ोन किए और एक जना और भी उनको भी फ़ोन करे, हमारे ग्राम प्रधान जो है संतोष निशा उनको भी फ़ोन किए और बहुत लोग को हम फ़ोन करें, वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पुकार के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे भाई को देखो आप बचा लो, अगर वो मौके पर अगर पुलिस अच्छे से काम करती तो मेरा भाई मरा नहीं होता। वो टाइम में ये लोग पूरा टाइम पास कर लिए। मैं एक बार फर्स्ट में मेरा तीनों आदमी को फ़ोन गया है,
ये क्या बोलते हैं यशो साहब को, एसएसपी साहब को, फिर सेकंड में फोन कर रहा हूँ ना, फोन नहीं रिंग ही नहीं हो रहा है, फिर एक बार रिंग भी हो रहा है तो उल्टा ही मेरे को उल्टा ही बोल के तुम कैसा बात कर रहे बोल के मेरे को ऐसा साइड में कर दिए। फिर वहाँ पे उन लोग को छोड़ के मैं जो हमारे हमारे जो लिंक में भैया लोग थे उनको बात करे तो फिर हम लोग पूरा नाइट हम लोग जागे। फिर रात लड़की के शादी के बाद भी भाई आपका भगाया था क्या? वो दोनों मिल के भागे थे, भगाया नहीं था उसका, शादी हो गया था। अगर मान लीजिए हम घर में से नहीं भागेंगे तो आप मेरे को घर में से लेके भाग जाएंगे? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी मेरे को इतना मालूम नहीं है, मैं अभी दोपहर में आया हूँ, बस गया था वहाँ पे पंचनामा हुआ है, फिर मैं वहाँ से निकल के मेडिकल कॉलेज जो अपना हॉस्पिटल है ना वहाँ पे आया हूँ। अभी मेरे को मालूम नहीं कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, मगर ये पूरा फुल रंजिश है जो अखिलेश सिंह है ना वो मेरा पुराना दुश्मन है, वो मेरे जमीनी वास वो क्या है बच्चे के पीछे बहुत दिन से पड़ा था, इससे पहले भी उससे हमारा लफड़ा हुआ था, उसको मारने के लिए प्रधानी का चुनाव में उसको मारने के लिए वो रेडी हो गया था, इन्हों क्या है बच्चा था इन्हों उसको शूट करा। क्या मांग करते हैं आप सर? देखिए जो हमारे बच्चे को ऐसा गला काट के मार दे रहे तो हमारे क्या भरोसा, हमको भी मार सकते हैं ना। मान लीजिए हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ कोई हमारा और दूसरा भाई आता है, हम लोग सब लोग बाहर रहते हैं, घर पे कोई नहीं रहता है, हो सकता है भाई आज इसके साथ हुआ कल हमको भी मार दे। मांग क्या? मांग क्या, हमारे को भी एक दो पिस्टल मान लीजिए लाइसेंस ही देना चाहिए अभी, और हमारे बच्चे को जो अभी मार दे गला काट के मारा है, कम से कम साला हमारा बच्चा भी मरा है तो वो लोग को भी मारना चाहिए ना, आजीवन कारावास होना चाहिए उन लोग को, आजीवन कारावास होना चाहिए। क्यों बोले तो एक बच्चे को 8-9 लोग ऐसा पकड़ के गला काट दिए, उसका गला काट दिए, यहाँ पे खोप दिए, आँख में चाकू ऐसा डाल दिए, इतना उसके साथ गलत हुआ है। अभी बताइए वो कितना उसका ऐसा है, 22 नहीं तो 23 होगा उसका है। देखिए सर मैं क्या बोलता हूँ, जब वहाँ से बेली पार चौराहे से उठाए है ना, फिर उसके बाद ये लोग क्या है इधर क्या बोलते हैं चिलुआ उलुआ पार्क कोई आउट एरिया में ले जाके मार के, कोई बोल रहा है अभी क्या है जो नगरी काल का क्या बोलते हैं धोबा पुल है ना वहाँ पे कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है इधर जो अपना मेन रोड पर हलगंज जाता ना उधर पे किधर ले जाके मार के फेंके, मेरे को ये पूरा डिटेल मालूम नहीं है। अभी देखिए इसमें पूरा रंजिश जो है पूरा है बैजनाथ और अखिलेश सिंह, जब से वो बच्ची लेके गया था ना उसके वो क्या बोलते मायके से लेके घर से लेके पूरा लोग चढ़ा बढ़ा के ये लोग करवा दिया, उसका जो डैडी है ना वो गला काट दिया, चार पांच लोग अभी क्या है उधर क्या बोलते बोल रहे लोग क्या बोलते पीएस में है पकड़ के वहां पे बंद करे, 4 या 5 लोग है। अभी आप युवक के भाई को सुन रहे थे जिसने बताया कि इस पूरे घटना को कैसे अंजाम दिया गया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रेम प्रसंग में हत्याएं जो हो रही है उसे लेकर के आपका क्या सुझाव है हमारे दर्शकों के लिए हमारे चैनल के लिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान न्यूज।